What's up everyone, this is Neha. Hope so you all are doing great. So guys, here I am with a new reaction video. और आज की जो हमारी reaction video होने वाली है वो होने वाली है सॉन्ग गाया है एक न्यू एमी विर्क, दिलजीत दोसांझ एंड निमृत खैरा, जो कि सॉन्ग का टाइटल है कोर्ट. और यूट्यूब पे आया भी ये सॉन्ग, मैंने देखा थोड़ी देर पहले, और गाने के व्यूज हुए हैं 6 लाख समथिंग. गाना अभी आया है, गाना बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा सॉन्ग लग रहा है मुझे. मैंने थोड़ा सा सॉन्ग सुना है, सो मुझे लगा क्यों ना पूरा सॉन्ग आपके साथ सुना जाए. तो गाना आपको पता ही है कि आजकल जो फार्मर प्रोटेस्टिंग हो रही है, सो उसके आई थिंक उसके रिलेटेड ये सॉन्ग आया है, क्योंकि बहुत सारे सॉन्ग ऐसे आ चुके हैं. और फार्मर प्रोटेस्टिंग काफी दिन से हो रही है, 20 से ज्यादा दिन हो चुके हैं आज उन्हें प्रोटेस्ट करते हुए, लेकिन कोई भी अभी तक सोल्यूशन नहीं निकला है, जो कि बहुत ही शर्म की बात है दिल्ली के लिए, क्योंकि इतने दिन से हमारे फार्मर्स वहां बैठे हुए हैं, लेकिन उनके भी हिम्मत का कोई हम लोग जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि उनकी हिम्मत बहुत ही ज्यादा बरकरार है. अभी तक इतने जोश में नजर आते हैं वो लोग. तो हमें भी उन्हें पूरी तरह से सपोर्ट करना चाहिए. आप लोगों से भी मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि गाइस प्लीज सपोर्ट देम, क्योंकि उन्हें आई थिंक सपोर्ट की इस टाइम काफी ज्यादा जरूरत है. हम खुद एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं, सो आई नो कि हम सबको पता है कि क्या क्या दिक्कतें सहनी पड़ती हैं सभी को, और वैसे जो मेहनत करता है उसे उनका फल मिलना ही चाहिए. सो अगर उन्हें वो मंजूर नहीं है जो कि वो एमएसपी बता रहे हैं, जो कि फार्म बिल जो न्यू आए हैं, तो वो इसीलिए प्रोटेस्टिंग कर रहे हैं, जो कि समझ जाना चाहिए कि अभी तक सोल्यूशन क्यों नहीं निकला. सो सोल्यूशन निकल जाना चाहिए अभी तक, सभी को समझना चाहिए, क्योंकि इतने दिन हो गए उन्हें वहां बैठे हुए अपनी फैमिलीज के साथ. सो आई होप एंड आई प्रे कि जल्दी से जल्दी उन्हें सोल्यूशन मिल सके, और हमें उस दिन का वेट रहेगा. सो सारे उस डे को सेलिब्रेट करेंगे सारे फार्मर्स की, जिस दिन उन्हें सोल्यूशन मिलेगा जो कि वो चाहते हैं. सो गाइस, सारे ही सिंगर्स इस प्रोटेस्टिंग के ऊपर काफी ज्यादा सॉन्ग्स लेके आ रहे हैं, बहुत ही कमाल के सॉन्ग्स आ रहे हैं. सारे सॉन्ग्स कमाल के हैं, किसान एंथम सॉन्ग, पंजाब बोलदा सॉन्ग, हर एक सॉन्ग धमाकेदार आ रहा है, बहुत ही वधिया से सॉन्ग आ रहे हैं, क्योंकि हर एक जो सिंगर है फार्मर्स को सपोर्ट कर रहे हैं. सोशल मीडिया पे भी वो लोग पोस्टिंग डाल रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं. हमारी एक सेलिब्रिटी हैं कंगना रनौत, जिन्होंने कि बहुत ही बुरा ट्वीट किया था, जिसका कि उन्हें जवाब भी मिल गया भाई दिलजीत दोसांझ. और पंजाब बोलदा सॉन्ग में रंजीत बाबा ने भी उन्हें बहुत अच्छा जवाब दिया है, जो कि मैंने रिएक्शन वीडियो बनाई है, आप लोग जाके चेक कर सकते हो. मैंने किसान एंथम पे भी वीडियो बनाई है, और थैंक यू सो मच गाइस इतना अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए. सो आई होप आप हमें ऐसे सपोर्ट करते रहेंगे. बाकी कई लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस करते हैं कि मैम इस सॉन्ग पे आप वीडियो बनाओ. सो मैं उन्हें बता दूं कि गाइज मैं वैसे बहुत बिजी होती हूँ, क्योंकि मुझे यूट्यूब पे भी काफी काम होता है. वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि मैक्सिमम सभी का मैं आंसर दे दूं, लेकिन कई बार कुछ इश्यूज की वजह से मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ. तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मैं यूट्यूब पे लाइव आऊंगी, सो लाइव बात करूंगी आपके साथ, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे सो आप लोग मुझसे वहां पे पूछ सकते हैं, मैं वहां पे रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगी. सो आप लोग अगर लाइव बात करना चाहते हो तो मुझे आप लोग कमेंट करके बता देना, या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग जाके मुझे डीएम कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना, और वहां पे भी आप मुझे सपोर्ट करना. सो गाइज प्लीज हमें ऐसे सपोर्ट करते रहो, बिकॉज वी नीड योर सपोर्ट सो मच. बाकी अगर आपको रिएक्शन वीडियोस पसंद आती हैं सो लाइक तो जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए. और अभी हम चलते हैं सॉन्ग की तरफ, क्योंकि बातें तो बहुत होगी, अभी सुनते हैं सॉन्ग. सो लेट्स प्ले द वीडियो. लंडन ते बोलदे जो कारनामे भुलना कर सरकारे अजे मारदे आ नारे हथ जोड़े किते साडे जान खोलना हल कर सरकारे म्यूजिक मैंने सुना है ये पहले कहीं ना, मुझे बताना आप लोग कहाँ सुना है, अगर आपने सुना होगा तो. सो गाइज ये था सॉन्ग कोर्ट बाय एमी विर्क और वहाँ पे बताया था दिलजीत दोसांझ। सो उन्होंने गाना गाया नहीं है लेकिन बीच में कहीं पे वीडियो उनकी डाल दी गई है। आई थिंक पुराना कोई सॉन्ग था। सो गाना बहुत ही अच्छा है और डीप लिरिक्स हैं। सो मैंने वैसे पहले भी कहा कि मुझे म्यूजिक ऐसे लग रहा है कि मैंने पहले सुना है। सो आप लोगों ने अगर सुना है तो मुझे बताना कि ये म्यूजिक कहाँ कौन से सॉन्ग में यूज हुआ है। बाकी सॉन्ग तो मुझे नया लग रहा है क्योंकि मैंने ये पहले सॉन्ग नहीं सुना है, तो आई थिंक नया सॉन्ग है। सो आप लोग मुझे बताना कि सॉन्ग नया है या पुराना, बट आई थिंक कि नया सॉन्ग ही है। बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, बहुत ही डीप लिरिक्स हैं, ट्रू लिरिक्स हैं। हर कोई सिंगर फार्मर्स की फीलिंग्स को सॉन्ग में लेके जता रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इतने अच्छे अच्छे सॉन्ग्स आ रहे हैं, बहुत ही कमाल के सॉन्ग्स आ रहे हैं और हम लोगों को भी इन सॉन्ग्स को भी सपोर्ट करना चाहिए। सो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई होगी सो आप लोग भी शेयर करना जरूर वीडियो को। सो बाकी हम वेट करते हैं सोल्यूशन का कि कब तक इस प्रोटेस्टिंग का सोल्यूशन निकलेगा, क्योंकि काफी दिन हो गए हैं यार बैठे हुए उन्हें वहां पे। चाहे जितने भी दिन हो जाए लेकिन उनकी हिम्मत जो है वो बरकरार ही है। बहुत ही हिम्मत दिखा रहे हैं वो लोग, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर कोई और होता तो शायद अभी तक हिम्मत हार चुके होते, लेकिन जो हमारे फार्मर्स हैं उनकी हिम्मत तो आप लोग देख ही रहे हो। वो अपनी फैमिलीज को लेके भी वहां पे बैठ गए हैं। सो बहुत ही अब क्या कर सकते हैं, हर किसी की अपनी अपनी समझ है। पता नहीं क्या क्या सोच के लोग या फिर सरकार जो भी बोल सकते हैं नए नए रूल्स लेके आती हैं, जो कि हमारे फार्मर्स को बिल्कुल भी गवारा नहीं है क्योंकि उन्हें उससे उतना फायदा नहीं हो रहा है। सो तभी वो इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन देखते हैं कि क्या सोल्यूशन निकलता है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी सो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो जाने मत। बाकी अगर रिएक्शन में कहीं पे थोड़ी सी गलती होती है तो वो मुझे आप बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो मिस्टेक सुधारने की कोशिश करूंगी। और अगर लाइव बात आप करना चाहते हो तो यूट्यूब पे मैं लाइव आऊंगी कल। सो कल कोशिश करूंगी आने की। सो आप लोग मुझे बता देना कि मैं लाइव आऊं या ना आऊं। सो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। और किसान एंथम पंजाब बोलदा सॉन्ग पे भी मैंने रिएक्शन वीडियो बनाई है, वहां जाके आप लोग चेक कर लेना अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो बाकी मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। Now, bye bye and take care.